हिमाचल में मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फ गिरने से शीतलहर बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फ देखने के लिए पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट के अनुसार सूबे में बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। सोमवार रात को जहां ऊंचाई वाले इलाके डलहौजी मनाली में बर्फबारी हुई है, वहीं शिमला और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी बर्फबारी हुई, जिससे रिजॉर्ट और इसके आसपास के इलाकों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से कुल्लू सोलांग मार्ग पर भारी जाम लग गया। वहीं 300 पर्यटक इस बर्फबारी के कारण सोलांग और मनाली रूट पर फंस गए हैं। बता दें कि रविवार दोपहर से ही मनाली के निचले क्षेत्रों में बारिश और मनाली के तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग दर्रे में 2 फीट से ज्यादा ताजा बर्फबारी हो चुकी है। इसके अलावा सेलंगाना में मंगलवार को 7 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। सोमवार दोपहर बाद से पर्यटन स्थल सेलंगनाला में फातुरु कोठी में बर्फबारी शुरू हो गई थी, जबकि ऊपरी इलाकों में गुलाबा हनुमान टिब्बा जलोड़ी दर्रे तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर रविवार देर रात से ही शुरू हो गया था। लाहौल स्पीति किन्नौन शिमला कुफरी में भी हिमपात हुआ है, जबकि कुल्लू समेत निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शिमला में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चंबा जिले के भरमौर में 5 सेंटीमीटर की बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय केलांग 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ राज्य में सबसे ठंडी जगह रही है। किन्नौर के जिले के कालपा में न्यूनतम तापमान 0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ, जबकि मनाली में 0 से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ है। वहीं धर्मशाला में 3.8 डिग्री सेल्सियस और कुफरी में 0 से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया। उधर कश्मीर घाटी में बर्फबारी से बुरा हाल है। बर्फ गिरने से कश्मीर घाटी देश के दूसरे हिस्सों में कट गया है। रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। काजीकुंड में सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे और बर्फबारी हो सकती है। कई इलाकों में बर्फीले तूफान भी चेतावनी दे रहे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में सोमवार से हल्की बारिश के बावजूद तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। बारिश मंगलवार तक जारी रही। मौसम ब्यूरो ने कहा कि यहां यह जानकारी दी कि राज्य की राजधानी चंडीगढ़ सहित पंजाब व हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। पंजाब में गुरदासपुर 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई और 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि औद्योगिक शहर लुधियाना में 10 डिग्री, बठिंडा में 9.6 डिग्री और फरीदकोट में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा के अंबाला शहर में तापमान 10.5 डिग्री, हिसार में 7.8 डिग्री और नारनौल में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चंडीगढ़ का तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में बुधवार को भी बारिश हो सकती है। मंगलवार की सुबह दिल्ली का तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है एंड मैं लुधियाना से आई हूँ। डलहौजी हम लोग अपने मम्मा का बर्थडे मनाने आए थे फैमिली वेकेशन के लिए। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि डलहौजी में स्नोफॉल होगी, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल हुई, हमें बहुत मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर। आई रिकमेंड एवरीवन टू कम टू डलहौजी इन विंटर्स टू एंजॉय स्नोफॉल। It's a very beautiful here. सबको आना चाहिए। We request all to come here. हम ऊपर खजार तो जा नहीं पाए। To promote Himachal tourism. JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।